ठीक है। और यहाँ से हमारा सोफिया का सफर शुरू होता है, बाय बाय पाकिस्तान। हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 8, बड़ी मुश्किल से मैं 8 बजे उठाऊँ, वो भी 2-3 अलार्म लगाए हुए थे इस वजह से उठाऊँ। इसलिए जल्दी उठने की वजह यह है कि आज मेरे मामू की फ्लाइट जो है 11 बजे वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, और उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक जल्दी उठने की वजह है। और वो 5 साल हो गए हैं वो यहाँ पे फंसे हुए थे, उनका कुछ मेडिकल का इशू था और कुछ तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। पहले सऊदीया में रहते थे, फिर यहाँ पे आ गए, फिर उनका मेडिकल नहीं था क्लियर हो रहा, और अब माशाल्लाह से मेडिकल क्लियर हुआ है और अब वो इंशाल्लाह चले जाएंगे। और आज हम छोड़ने के लिए अभी जाने लगे हैं, और आपको नज़र आता होगा ये स्वेलिंग या यहाँ पे बोल लगी है, और काफ़ी ज़्यादा मैं उठाऊँ अभी मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा स्वेल हुआ है नॉइस मेरी, और काफ़ी ज़्यादा दर्द है। चलें रास्ते में आते हुए ट्यूब भी कोई पकड़ लेंगे, और अब तो करते हैं थोड़ा सा नाश्ता नुश्ता और फिर निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, और वहीं जाके आपसे मिलते हैं। 1 hour later। और अब हम इलामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, और गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, और 1 घंटा रह गया उनका बोर्डिंग पास में। 11:30 बजे बोर्डिंग पास हो जाएगा, और 8 बजे इनकी फ़्लाइट है मेरे मामू की। और अब यहाँ पे खड़े हैं, 11 बज गए हैं, और आधा घंटा है, आधे घंटे बाद उनका बोर्डिंग पास वाला गेट ओपन हो जाएगा। और ये हमारे मामू जान हैं जो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। मामू जी, अच्छा लग रहा है आपको जाने में? अच्छा लग रहा है। हाँ, ये काफ़ी टाइम बाद, बड़े मसले थे इनके जाने में, पर माँ इंशाल्लाह अब खैर से जाएँगे और खैर से आएँगे। ये देखिए पूरी तैयारी में हैं, जो गुम हुए हैं जाने में। बड़ा हरामी हो बेटा। और यहाँ से हमारा सोफिया का सफर शुरू होता है, बाय बाय पाकिस्तान। हाँ ठीक है ठीक है, करेगा जो मर्जी आओ, जो अपने और ये हमारी नानो है। नानो आप रो क्यों रही हो? मेरा बेटा बाहर गया ना इसलिए। आपका बेटा बाहर गया इसलिए आप रो रही हैं? वो मेरा बेटा बहुत प्यार मेरे साथ करता है। अच्छा, मैं भी उनके साथ करती हूँ। अच्छा अच्छा, खाने पीने का वो ही मुझे पूछता है क्या खाना मम्मी क्या खाना। अच्छा अच्छा, तो आप इसलिए उदास हैं कि आपका बेटा बाहर जा रहा है? ना उदास, रात को भी नहीं सोई। अच्छा अच्छा, आप रात से भी नहीं सोए? रात को भी सोई नहीं, दो दिन मैं मुझे नींद नहीं आती, मेरे बेटे ने चले जाए। अच्छा, दो दिन से मेरी नानो सोई भी नहीं है, उनको नींद भी नहीं आती कि उनके बेटे ने चले। मेरा बेटा बहुत मेरे साथ प्यार करता, खाने का कोई तला कोई चीज फल खाना। और काफ़ी धूप में हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं दूसरी तरफ, जहाँ से लोग देखते हैं जिनके प्यारे जाते हैं जहाज पे बैठ के, और सामने जहाज होता है, जहाज, और लोग वेट करते हैं कब वो जहाज़ उड़े और हम घर जाएं। इसी तरह उनमें से हम शामिल हैं कि हम भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कब हमारे मामू का जहाज़ उड़े और उनकी कॉल आए, चले आप खैर से घर पहुंच जाएं। क्योंकि मेरी नानों का ये कहना है कि मैंने तब तक घर नहीं जाना जब तक मेरा बेटा जहाज़ में नहीं बैठेगा, इसलिए हम वेट कर रहे हैं कब हमारे मामू जहाज़ में बैठेंगे और कब हम घर जाएंगे। और ये उनके छोटे बेटे हैं हमारे मामू के, इनका नाम अरमान है। और कैसा फील कर रहे हो आपके पापा जा रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हो? आपको याद आएगी अपने पापा की? हाँ जी आएगी यार। अच्छा, याद आएगी पापा की? तो पापा से मार भी पड़ती है या नहीं पड़ती? पड़ती है कभी कभी। अच्छा, अपने काम सीधे कर लो ना, ना पापा मारे, ज़्यादा डर किससे लगता है, मम्मा से या पापा से? पापा से। पापा से लगता है। और ये वाली बोतल एयरपोर्ट से हमें मिली है 130 रुपये की, और जो बाहर 70 रुपये की मिलती है। और यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग आए हुए हैं, हमारी नानो और एक मामू है, वो तो सैड बैठे हुए हैं क्योंकि उनका भाई बाहर जा रहा है, इस वजह से वो सैड हैं। और हम टाइम पास करने के लिए एयरपोर्ट घूम रहे हैं,
और यही टाइम पास कर रहे थे, जल्दी से टाइम ख़त्म हो रहा हम चाहें। और इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है वीडियो बनाने में, वो वीडियो बनाना अलाउ नहीं कर रहे। जहाँ भी कोई वीडियो बनाता पकड़ा जाता उससे मोबाइल ले लेते हैं, मेरे से भी लेने लगे थे, बड़ी मुश्किल से मैं भी बचा हूँ। तो यहाँ पे भी पता नहीं क्या पाकिस्तान में क्या सख्ती आई हुई है, कहीं भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं कर रहे, मॉल्स में, एयरपोर्ट में या कहीं भी। हम करतारपुर लास्ट टाइम गए थे, वहाँ पे भी नहीं बनाने दे रहे थे। और अब हम गढ़ आ चुके हैं और दिसंबर चल रहा है, अभी तक गर्मी का जोर वैसे का वैसे है। धूप में खड़े हो के मेरा तो सिर दर्द होना शुरू हो गया, मुझे तो चक्कर आ रहे थे और अभी आया हूँ, लेट गया हूँ मैं आते ही। चले इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऐसे मुझे प्यार करें, सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।